भ्रष्टाचार से जुड़े अलग अलग मामलों को लेकर आज देश के 7 राज्यों में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। देश भर में 150 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के किच्छा के घर और फ्लोर मिल के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने जयपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र, कोटपुतली और किच्छा सहित 53 स्थानों में छापेमारी की। कोई चीज गलत है, हम उसके लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के लिए। किसी भी चीज का सच्चाई छुपती नहीं है, सामने आती है। वहीं कोयला घोटाला मामले में आज सीबीआई की टीम जांच और पूछताछ के लिए मंत्री मलय घटक के आसनसोल के घर पहुंची और तलाशी ली। सीबीआई की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर सवाल उठाए हैं। मलय घटक जो मंत्री है, ये जनता ने उसको वोट देकर प्रतिनिधि बनाया, मंत्री बनाया। सबसे शर्म की बात है कि तृणमूल सरकार में जो जो लोग मंत्री लोग जो है सब चोर है, डकैत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी श्री पेरन बद्दूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने यात्रा का मकसद देश के असल मुद्दों को उठाना और हर भारतवासी को एकजुट करना बताया। दुर्गण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर की जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। कन्याकुमारी में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का नेता ईडी सीबीआई से नहीं डरता। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों को भारत जोड़ो यात्रा निकालने का अधिकार नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और लगभग 150 दिन की इस पदयात्रा में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। विपक्ष को साधने के मकसद से दिल्ली दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो ये देश के विकास के लिए बेहतर होगा। इस दौरान भी उनके निशाने पर बीजेपी रही। अलग हो गए हैं तो कुछ न कुछ बोलना उन लोगों को है, बिना मतलब का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इनको पता नहीं है कि इस बार उनका जो बढ़ा है संख्या वा, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, अब हमको हरवा रहे थे हमारे पार्टी, तभी नहीं नौबत आई है। अब अगला बार चुनाव होगा तब पता चल जाएगा उस दिन।